हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हर महादेव। होप सो सब ठीक बानी। यही के साथ मैं जीविका राज आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। होप सो आप सब ठीक हो और महादेव आप पर कृपा बनाए। तो आज मेरी नींद टूटती है ई कार्ड वाले भैया के कॉल से। एक्चुअली मैं देर रात सोती हूँ, तो इस वजह से जब सुबह सुबह इनका कॉल आता है 10 बजे को, तो मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है आज ही हो चुकी है। और एक्चुअली ये प्रोडक्ट है भी नहीं मेरा, मेरे दोस्त का है, क्योंकि उसका फ्लिपकार्ट थोड़ा सर्वर डाउन था और उसका काम करना बंद हो चुका था। तो इस वजह से मुझे ही ऑर्डर करना पड़ा। मैंने सोचा कि अब भाई मेरी आईडी से आया है तो मुझे प्रोडक्ट तो एक बार देखना बनता है। सो इट्स हुडी गाइस, और ये मार्समेलो का जो इसका वो था ना लोगो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई एम थिंकिंग कि क्यों नहीं, बॉयज़ की हुडी है तो क्या हो गया, मैं भी अपने लिए एक ऑर्डर मारूंगी और मंगवाऊंगी। बट ये सेम टू सेम हो जाएगा ना, इसलिए आई विल ट्राई सम डिफरेंट कलर, और मैं कहीं और पहनूंगी, यहाँ नहीं पहनूंगी, वरना भाई बहन लगेंगे। एंड देन आफ्टर उसके बाद मुझे चाय पीना होता है, नाश्ता करना होता है, क्योंकि आज मेरे मेस में सत्तू का पराठा बना, जो मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं चली जाती हूँ मार्केट, और मार्केट में जाकर के चाय पीती हूँ। बगल में ही दुकान है, राजू अंकल उनका नाम है। तो मैं वहाँ से चाय पीने के बाद थोड़ा सोचती हूँ, हल्की हल्की धूप दिख रही होती है, तो मैं वहीं पर बैठ के क्रिकेट का मजा ले रही होती हूँ। फिर जैसे ही मैं आती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आज अपने लिए खिचड़ी बना ले रहे हैं, सबसे सस्ता खाना मुझे वही लगता है, तो बनाती हूँ। बट किचन इतना ज़्यादा गंदा हो रखा होता है, आज मैसी हो चुका है, क्योंकि आज का खाना किसी को पसंद नहीं आता। सो सब लोग कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वो आंटी करेंगी इनकी सफाई, तभी मुझे दिखते हैं कि ये सर लोग जो हमारे हैं वो बॉयज़ हॉस्टल से उठ करके वो स्ट्राइक करने आ गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे विधायक मंत्री वगैरह लोग आ चुके हैं वो सपोर्ट में, और उस स्ट्राइक को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल का दिमाग घूम गया है। तो उनको एक सत्याग्रह का नाम दिया गया है। तो हमारी कुछ दिन से क्लासेस भी, हमारी एक क्लासेस छूट चुकी है, मंडे का भी ऐसा ही प्लान है कि क्लासेस नहीं होंगी। उसके बाद एज यूजुअल तो वो सब चलता रहेगा। सो मैं आ जाती हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई करती हूँ, फिर रात को ऑमलेट बनाती हूँ, और फिर खा करके फिर से वापस पढ़ना। देन आफ्टर